आपका स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के बहुत ही सिंपल से ट्रिक्स। तो हम देखते हैं कि कुछ कंपाउंड्स हमारे इसमें लिखे हुए हैं, मीथेन है, अमोनिया है, वाटर है, इथाइन है। तो देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, अमोनिया का भी sp3, वाटर का भी sp3। और इतना जल्दी मैंने एक मिनट के अंदर कई सारे कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन देख लिया। देखो ये मैजिक नहीं है, इट्स अ ट्रिक। तो आई विल टेल यू वो ट्रिक क्या है, ठीक है। तो यहां पे देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन वर्ड आता है। तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है, एस और पी का, यहाँ पे एस एंड पी दो ऑर्बिटल्स हैं, उनके मिक्सचर आता है। तो हाइब्रिड, बिफोर गोइंग टू दैट वी लर्न हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एस पी, एस का जो ऑर्बिटल्स होता है वो राउंड शेप में होता है और तीन डबल शेप होते हैं, ऐसे थ्री पेयर्स में, एक्स वाई जेड, ठीक है। इनका हाइब्रिडाइजेशन, सपोज एस और पी का हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो एस यहां पे आएगा और ये पोर्शंस देखेंगे तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। तो इस पोर्शन को ही बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पे एस और पी, sp3 है, sp3 है, या फिर यहां पे अगर इसकी बात करें इस कंपाउंड में इथिन के, तो यहां पे सेंट्रल आइटम का हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं। तो सेंट्रल आइटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करते हैं, देखो यहां एक सेंट्रल एटम को कितने एटम सराउंडेड है। समझो इस केस में अगर हम बात करें, इस केस में एक सेंट्रल एटम को एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है और एक कार्बन इधर है, तो टोटल कितने एटम सराउंडेड है, 1, 2, 3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना आता है, 3। तो 3 आता है हाइब्रिडाइजेशन नंबर, तो हम इससे मालूम चल जाता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। सिमिलरली इस केस में भी देखते हैं तो यहां पे भी कितना होता है, sp2। तो ये पहले आप नंबर नोट कर लो हाइब्रिडाइजेशन के, अगर आपको नंबर याद रहेंगे तो भी कर सकते हो, नहीं तो आपको सिंपल से काउंट कर सकते हो, s मतलब 1 एक ही है, sp मतलब एक s है और दूसरा p है, तो दो हो गए। sp2 है मतलब क्या हो गया, s के 1 और p के 2, मतलब टोटल कितने हो गए, 3। तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो, इस केस में 1 है s का और p है 3 का, टोटल कितना हुआ, 4। तो अगर ये 4 नंबर पे है तो क्या आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो हमारे पास अभी एग्जांपल है, हम देखेंगे यहाँ पे एक एग्जांपल है, पहले वो देखेंगे उसके बाद हम आपको और डीप में बताएंगे कैसे ये ट्रिक्स को हम निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो इसमें क्या है, 1, 2, 3, 4, 4 आइटम से सराउंडेड है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि हाइब्रिडाइजेशन नंबर इक्वल टू क्या आता है, नंबर ऑफ एटम सराउंडेड सेंट्रल एटम। तो इस केस में ये सेंट्रल एटम है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन पता करना होता है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एटम सराउंडेड सेंट्रल एटम प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एज वी नो दैट कार्बन डोंट हैव द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके चार आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2.4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होता है और वो इसीलिए चार दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड है, तो 4 बॉन्ड पेयर है इसके अंदर, तो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, 4 एटम से सराउंडेड है, तो इसलिए क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3, ठीक है। अब इस केस में देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि उसके पास क्या होता है, एक यहाँ पे एक एटम एक ही साइड कार्बन है और दूसरा इस साइड कार्बन, मतलब कितने एटम सराउंडेड है यहाँ पे, टोटल 2, इसलिए sp हाइब्रिडाइजेशन। इस केस में भी वही सेम हो रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2.6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसको देखेंगे कभी भी किसी भी केस में, अगर सपोज वाटर लेते हैं तो वाटर में HOH लिखते हैं, तो मतलब ये इसका बॉन्ड पेयर कितना होता है, 2 होता है, तो 2 बॉन्ड पेयर होता है और बाकी बचे 2 लोन पेयर होता है। कैसे समझे वो हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पे इसको इस तरीके से लोन पेयर दिखाते हैं, ये 2 लोन पेयर हो गए और 2 बॉन्ड पेयर हो गए। तो ऑक्सीजन को 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर होता है, तो इस केस में
अगर ऑक्सीजन का देखें तो दो लोन पेयर ऑलरेडी होता है, यहां पे हम समझ लेते हैं कि यहां पे दो लोन पेयर है, उसको दो लोन पेयर और एक एटम, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, एसपी तीन हुआ ना, वन टू थ्री, तो एसपी टू हो जाएगा। ठीक है, इसके इसमें देखिए यहां पे जो बैलेंसिंग है इसको हम यहां पे एच टू लिखते हैं, रुको, तो इस केस में दो हाइड्रोजन है, इधर दो हाइड्रोजन और दो कार्बन, मतलब ये क्या हुआ एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे अगेन वन टू थ्री, तीन एटम सराउंडेड है, एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन, वो का अगेन एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन। एंड फिर अभी नाइट्रोजन की बात आती है, तो नाइट्रोजन में कितना होता है, एक दो तीन, तीन ये है और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये कितना हुआ इसका एसपी वन टू थ्री फोर, एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन। तो ये लोन पेयर क्या होता है वो आपको समझ में आया क्या, लोन पेयर मतलब जो अलोन है, लोन पेयर मतलब अलोन इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन अभी भी पेयर नहीं है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन वो पेयरिंग में नहीं करते, उसे बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आई होप आपको अभी हाइब्रिडाइजेशन निकालने बहुत इजी से आ चुका होगा, तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं जिसे आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। ठीक है, तो ये रहे कुछ एग्जांपल्स जो आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में भेजने हैं। तो ये देखिए वो कितने एग्जांपल्स हैं, आपको छह एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, और अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।